हम गरीब आदमी हैं, कृपा करिए, दया दृष्टि करिए, थोड़ा हमारा काम कर दीजिए, फंस गया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा ईमानदार कंधे की जरूरत है। आपको पता है भ्रष्ट आदमी क्यों आपका साथ नहीं दे सकता? क्योंकि जब भ्रष्ट आदमी आवाज उठा के उन पुलिस वालों को डांटेगा कि ये मेरे घर के लोगों को आपने क्यों ऐसा अपमानित किया, तो वो उसको चार चीजें जब वापस बोलेगा कि आपका खनन में हाथ चल रहा है, आपका ये हाथ चल रहा है, आपका कॉलोनी कटरी है, तो फिर वो आदमी कहेगा अच्छा अच्छा जो करना करो भैया, तमाशा मत करो, चलो फोन काट देगा। लेकिन वरुण गांधी के लिए कोई माई का लाल नहीं बोल सकता कि एक रुपए का हमने कभी अपने, जब कोरोना कोविड हुआ तो इसी बीसलपुर, इसी पूरनपुर, इसी पीलीभीत, इसी बहेड़ी में मैंने एक साल अपने पैसे से सरकारी रसोई चलाई। आपको पता है शाहजहांपुर, लखीमपुर और बरेली में 1.5 से 3 हजार लोगों की मृत्यु हुई कोविड में, और पीलीभीत में पूरे 100 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते ही मैंने ऑक्सीजन के इतने बड़े बड़े सिलेंडर दिए। जब लखनऊ में कोई ऑक्सीजन नहीं था तब पीलीभीत के सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन था। विदेश से मैंने दवाइयां अपने पैसे से मंगा के दी, क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो हम कहते हैं कि सब हमारे परिवार हैं। परिवार केवल अच्छे समय में नहीं होता है चुनाव, परिवार बुरे समय में दिखाना चाहिए कि आप किसी के साथ और आप परिवार हो। और यही मेरी राजनीति है। अभी पिछले बार हम लोग डीएम पीलीभीत से मिले, मैंने उनसे कहा मान्यवर मुझे एक सूची चाहिए कि सरकारी योजनाओं के तहत पीलीभीत के लोगों को लोन कितने मिले। क्योंकि सच्चाई की बात यह है, हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति को भले हजारों करोड़ के लोन मिल रहे हैं, पीलीभीत का नौजवान या ग्रामीण अंचल का नौजवान आज हमारे देश में लोन लेना चाहता अपने विस्तार के लिए, अपने रक्षा के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने माता के इलाज के लिए, तो उसको धक्के खाने पड़ते हैं 8-10 बार। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा मिल रहा? तो मैं यहाँ के लोगों को जात पात में क्यों बांटू कि इतने गंगवार, इतने किसान, इतने ब्राह्मण, इतने अनुसूचित, इतने नाई, इतने मैं क्यों बांटू? ये तो ऐसा हो गया कि मैं कोई सी मंडी में जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 1 किलो गोभी, 1 किलो टिंडा, 1 किलो लौकी, 1 किलो टमाटर। मैं तो लोगों को नहीं बांट सकता इस तरीके से। मैं लोगों को बांटता हूँ उनके चरित्र के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर, उनके साहस के ऊपर, उनके अच्छाइयों के ऊपर। मुझे अगर कोई व्यक्ति मिले जिसके अंदर एक उच्चता, तो मैं उसका पहला नाम जानना चाहता हूँ, उसका दूसरा नाम नहीं जानना चाहता। क्योंकि इंसान इंसान है, हमने ही छोटा कर दिया ये सब गंद फैला। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई? आपके बड़ों ने, हमारे बड़ों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ाई लड़ी? क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान में ही दबे जा रहा है इन गोरों से, ये तो संभव नहीं है। हिंदुस्तानी आदमी का कम से कम अपने देश में तो कब्जा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरे अपनों कि जब आज इतने साल आज़ादी के बाद भी जब आप जाएंगे एक सरकारी कर्मचारी या पुलिस कर्मी के पास अपना हक के लिए, तो भी आपको दब के उनके सामने बात करनी पड़ती है अपना काम निकालने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि